यूपी के सीतापुर में बहु बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि राह चलते मनभड़ युवक बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। मामले की जानकारी जब पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो डीएम सीतापुर अखिलेश तिवारी तथा पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार तत्काल पीड़िता के गांव पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिजनों से वार्ता की। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेटी कल टट्टी गई, वहाँ बोलू है एक लड़का, खींचा उनका हाथ पकड़ के और उसके बाद मियाँ कसके इनका ब्याह से भी खींच गई वो खेत के यहाँ। वो फिर इस जो कसके चिल्लानी तो हम भागत गए, जब भागत हम गए तो कहीं तुमका मार दीगा हम बिल्कुल, अगर जो तुमको बताया गया होगा मियाँ तो हम आए कि यहाँ। फिर हम यहाँ कोतवाली अप्लीकेशन दिहन यहाँ तो कहीं चलो हम आए रहे अब है और तुम चलो बाद इसका अंदर कर दिवस लेके यहाँ पकड़ के यहाँ। और एक बाद में यहाँ पूरा दिन हुई गया, पूरी रात हुई गई ना पहुँचे। आज फिर टाइम हो ली गए कहन जाए फिर वहाँ तो जोड़े तो फिर आज ना आए कहीं चलो शाम तक कही बा। वही के बाद जब टाइम हो लिख तो हम दुआरे तक तो नहीं पहुँच पान। तो एक गोलू जो है लड़का रहा है वो आगे लगाए थी, मेरी बिटिया कह रहे घर में कोई रहा नहीं मटेरियल डाल के यहाँ आगे लगाए थी। आगे जब लगाए थे तो हम कह हम सौ नंबर मिलाए दी तो हम कहें ऐसे ले जीबा तो हमें फंसाए दे हैं तो हम सौ नंबर मिलाए तो हमसे कहें तुम अस्पताल में लेके चलो हम अस्पताल मिल बा यहाँ का करेगा। तो हम सही साहब यो है निका कि तो कार्रवाई हो ये सब कोतवाली वाले कोई पुलिस वाले कोई सुनते हमारे सुनते नहीं कोई। अगर एप्लीकेशन सुन ली जाती और एप्लीकेशन होता ही सुन लेती तो आज की है होते है कुछ नहीं। एप्लीकेशन कल अगर नहीं निकलना है आज भी आएंगे होते तो आज नौबत नहीं होते आपकी बेटी नहीं जलाई नहीं जलाई जाता है। हम हाथों जोरियन पायन परियन कोई मान नहीं है मैं सब गरीब हम चले आए हूँ कोई पसिया है यहाँ मेरे को मान वाल दिए अरे कहीं चलो हम आए रहे हैं कोई ना है मेरी बेटी देख लिया और वहाँ ध्यान रही है जलाई परी। ये पीएस कोतवाली जनपद सीतापुर का मामला है। ये कल शाम को ये सूचना मिली थी लड़की को आग लग गई और उसके बाद उसको भर्ती किया गया था और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रथम दृष्टि से 60% उसका बर्न इंजुरीज थे। उसी के माध्यम से उसके बाद उनसे डाइंग डिक्लेरेशन किया गया है और मौके पे सी ओ सी टी और एडिशनल एसपी मौके पे जाकर जांच किए थे तो उसमें ये पता चला एक गोलू नाम का एक लड़का है उसी गांव का है। उसने इनके घर पे जाकर इसमें शादी का दबाव बनाने से उसके ऊपर तेल का डालकर उस पर आग लगाने का बात उनके परिजनों ने बताया है। उसी के अनुसार रात में इनके डाइंग डिक्लेरेशन लड़की का रिकॉर्ड किया गया, मुकदमा लिखा गया है, उसके उपचार और उस सब के लिए उनको अच्छा उपचार करने के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया है। पुलिस टीम गठित कर अभी तलाशी में जुटे हुए हैं और कुछ प्रयास में लगे हुए हैं उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने में। एक गंभीर प्रकरण है सीतापुर का जिसमें कल दिनांक 21/8 को थाना कोतवाली में जो पीड़िता है उसको जो उसके विपक्षी हैं उसी गांव का रहने वाला है, पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने जो विपक्षी है उसने घर में आकर के उसके साथ छेड़खानी की और उसके बाद उसको जलाया गया। मैं अभी हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में उनके परिवार जो माता पिता थे उनसे मेरी बात हुई है और जो डॉक्टर्स थे उनसे भी बात हुई है। जो पीड़िता है वो अभी उसकी स्थिति गंभीर है। जो डीएम और एसपी हैं वो मौके पर गए हैं, मौके पर जाकर के उन्होंने पूरी घटना की तहकीकात की है और मैंने जो डीएम है उनसे अनुरोध किया है कि इसमें जो भी इनको मुआवजा मिल सकता है जिससे कि जो इनकी मेडिकल हेल्प के लिए तो उसको तत्काल दिया जाए तो उनको मेडिकल मुआवजा दिया जा रहा है और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या अभी तक? इसमें एक ही मुलजिम है
उस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं और आज शाम तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। वहीं पीड़िता की हालत गंभीर होते देख जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे जिले में दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया है।